बहुत खूबसूरत है। सुप्रभात आगरा। यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। तू चावला खानदान का चिराग जला ले बस। तो दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने हाल ही में अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट प्रेम की शादी की अनाउंसमेंट की थी। फिल्म का निर्देशन सूरज बड़जात्या करने वाले थे। प्रेम की शादी से पहले दोनों ने साथ में मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ हैं, ऐसी दोनों ने कई हिट फिल्में दी है। फैंस एक बार फिर से सलमान खान को प्रेम के कैरेक्टर में देखने के लिए काफी एक्साइटेड है। फिल्म इसी साल फ्लोर पर आने वाली थी, लेकिन अब ये प्रोजेक्ट बंद हो गया है। लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार सूरज बड़जात्या और सलमान खान के बीच में कुछ बातों को लेकर सहमति नहीं बन रही थी, जिस वजह से यह प्रोजेक्ट बंद हो गया। सलमान खान सूरज बड़जात्या के इस प्रोजेक्ट को क्विट कर चुके हैं। डायरेक्टर सूरज फिल्म की स्क्रिप्ट पर दोबारा काम करेंगे और इसमें नए लोगों को कास्ट करेंगे। मेकर्स रणवीर सिंह और वरुण धवन को इस मूवी के लिए कास्ट कर सकते हैं। हालांकि मेकर्स ने अभी तक कुछ ऑफिशियल नहीं किया है। भाईजान सलमान खान के फैंस सूरज बड़जात्या और प्रेम यानी सलमान खान की इस मूवी को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन अब ऐसी खबरें आने के बाद सभी का दिल टूट चुका है। जी हां, कई सालों बाद ये सुपरहिट डायरेक्टर और एक्टर की जोड़ी हमें एक साथ देखने को मिलने वाली थी, लेकिन अचानक से उन्होंने इस प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिए हैं, जिसकी वजह से अब फैंस को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा इस एक्टर और डायरेक्टर की जोड़ी को एक साथ देखने के लिए। वैसे सूरज बड़जात्या और सलमान खान की मूवीज की हिस्ट्री काफी तगड़ी है, जिसके चलते फैंस को उम्मीद थी आने वाली फिल्म भी तगड़ा कलेक्शन कर सकती है। बता दें, सलमान खान और सूरज ने साल 2015 में प्रेम रतन धन पायो में साथ काम किया था। फिल्म में सोनम कपूर सलमान खान के साथ नजर आई थी। एक्टर आखिरी बार कैटरीना कैफ के साथ टाइगर 3 में नजर आए थे। सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्म दबुल को लेकर चर्चा में है। दबुल की शूटिंग जल्दी शुरू होने वाली है। वैसे दोस्तों, आपका क्या कहना है इस मूवी को लेकर कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप भी सलमान खान के डायहार्ड फैन है तो ऐसे ही सलमान खान की मूवी से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।